Hey guys, welcome back to the vlog again. So, कैसे हैं आप सब? आज है day 2, बस चढ़ाई करने लगे हैं। टाइम हो रहा है 11:30 सुबह के, 12 बजे चेकआउट होगा, फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, फिर लेंगे यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची एक्चुअली ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन बुक करवा ली थी सबकी, अब मे बी वहां जाके दोबारा लाइन में लगना पड़े या नहीं वो वहां जाके पता लगेगा। फिर ब्रेकफास्ट करके यात्रा पर्ची लेके यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये हमने होटल भी खाली कर दिए, सारे नीचे जा चुके अपना अपना सामान लेकर, बस अब मैं जा रहा हूँ। आ रही है इस टाइम बारिश कटरा में, बहुत ज्यादा भयंकर तेज वाली। देख इधर इधर इधर, ये देख ये देख ये देख इधर इधर, ओए जादू माहिर, ओए पागल माहिर, फिर तेरे को लेके नहीं जाएंगे हम, रहने दे, तेरे को लेके नहीं जाएंगे हम। हेलो कर दो माहिर, तू जादू क्यों बना हुआ है माहिर? दीपू भैया की स्ट्रगल। माहिर कुल्फी खा रहा है। सो फाइनली एक घंटा लाइन में लगने के बाद हमें RFID कार्ड मिल गया।
का पहुंच गए। बाप देखो पानी में, चले तो भैया जी हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर। तकरीबन हमें लग गए, हम वहां से 3 बजे निकले थे, 5 बजे, 2 घंटे लग गए। चलो मत्था टेकते हैं अंदर, अगर पॉसिबल हो पाया तो अंदर से मैं दिखा दूंगा आपको, अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। हाँ जी, दर्शन कर लिए चरण पादुका मंदिर में। जो मेन मंदिर था वहाँ पर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाई, बिकॉज वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते हैं, तो फायदा नहीं था, मेरा मोबाइल तोड़ देते पकड़ गया। जी तो टाइम हो गया अभी 5:30 और अभी हमने चरण पादुका क्रॉस करी, अभी ऑलमोस्ट नहीं तो 9 से 10 किलोमीटर की चढ़ाई हो रहा। गोलगप्पे चल रहे, गोलगप्पे कौन सा, आटा सूजी, आटा मैं भी खा लूंगा।
भैया अपने पूरे जोश के साथ चलते हुए, पूरा जोश है चलते हुए, सारा स्टेमिना लग गया आपका आज का। थक गया यार, हाँ सारा जोर भागने पे लग गया, अभी तो बाकी है, अभी तो थक रहे हो। हाँ नहीं बैठ तो लग, फिर तो जाना पड़ेगा, ये नहीं है कि थक जाएंगे, चले तो जाएंगे अभी भी, इनसे पहले पहुंच जाएंगे। ओए तू थक गया, ओए थक गया तू, थक गया तू, थक गया, बहुत ज्यादा थक गया। आठ कुआरी में दर्शन तो नहीं हो पाएंगे बिकॉज रश बहुत ज़्यादा, तो शायद पर्ची लेंगे और कल दर्शन करेंगे जब नीचे उतराई करेंगे। अभी रुके हैं सागर अपना, यहाँ कुछ करेंगे और फिर चाहेंगे सीधा आगे भवन की ओर। इतना रश है इस बार कि लोग यहाँ पर जमीन पर ही सोए हुए हैं। फाइनली भवन पहुंच गए, लो दर्शन कर लो। सो फाइनली गाइस हम भवन पे पहुंच गए हैं रात के 12:15 बजे। इसके बाद अब हम सोएंगे, नहीं अब हम सोएंगे नहीं, इसके बाद हम फ्रेश शुरू हो गए। पहले थोड़ा आराम कर रहे हैं, डॉर्मेट्री बेड्स मिल गए थे, एक हमें एक रूम पूरा हमें प्राइवेट मिला है और एक रूम में 4 बेड मिले हैं डॉर्मेट्री। ये तो आपको अपने डॉर्मेट्री बेड्स दिखाता हूँ। सो थोड़ा आराम रूम करके खाना दर्शन करके फिर जाएंगे खाना खाने, उसके बाद सोएंगे और कल जाएंगे भैरव मंदिर दर्शन करने। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा थकान। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।